नमस्ते। कोरोना संकट व लॉकडाउन काल के दौरान उत्पन्न मानसिक समस्याओं का योगिक समाधान, इस टॉपिक पर आयोजित इस वेबिनार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से ये आयोजित की जा रही है। इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी प्रोफेसर त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय अवस्थी जी कुल सचिव उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इस वेबिनार के आयोजक डॉक्टर कामाख्या कुमार योग विभाग अध्यक्ष और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी, जो हमारे इस वेबिनार के संयोजक हैं, उन सभी का मैं इस आयोजन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ा ही रेलेवेंट ये टॉपिक है, जब कोविड-19 व्याधि से, महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग काल के गाल पे समा चुके हैं और न जाने अभी कहां जाकर ये संख्या रुकेगी। भारत में भी ये कोरोना महामारी फैल रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 बार किए गए लॉकडाउन में, 54 दिनों का ये लॉकडाउन है, इसमें बहुत हद तक हम सफल हुए हैं। WHO सहित संपूर्ण विश्व के बड़े नेता हमारी प्रशंसा इस कोविड-19 से लड़ने में हमारी सफलता देखते हुए कर रहे हैं। यहाँ ये जो आयोजित की गई है वेबिनार, इसका उद्देश्य भी ये है कि हम लोगों में जन जागृति पैदा करें, कोविड-19 से अवेयर हो करके हम सावधानी पूर्वक इस महामारी से बच सकते हैं। इस वेबिनार में भाग लेने वाले लगभग 900 के करीब संख्या मुझे डॉक्टर कामाख्या जी ने बताई थी, और पूरे देश से योग के विद्वानों को इसमें रखा गया है। मैं डॉक्टर जीडी शर्मा जी, डॉक्टर JPN मिश्रा जी, डॉक्टर के कृष्णा शर्मा मैंगलोर से, JPN मिश्रा जी गुजरात से, हिमाचल से डॉक्टर जीडी शर्मा जी, डॉक्टर BR शर्मा जी उड़ीसा से, और न जाने कितने विद्वान यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन सब का भी इस आयोजन के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्य समस्या जो है वो है कोरोना संकट के दौरान, और ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें घर में बैठने वाले लोगों की समस्या है कि वो किस तरह से अपने अंदर व्याप्त होने वाले मानसिक विकारों को दूर कर सकें योग के माध्यम से। आज देखिए कि आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसका समाधान ढूंढने में, लेकिन अभी समाधान दूर है। जिस वैक्सीन के परीक्षण भी अभी शुरू नहीं हुए, वो कब बाजार में आएगी और कब हम इस बीमारी से मुक्त होंगे? लॉकडाउन पता नहीं आगे बढ़ेगा या अभी खत्म होगा, लेकिन ये अवश्य है कि जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं होता, तब तक इस पर पार पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी आज योग की ओर विशेष रूप से देखा जा रहा है। कारण ये है कि मानसिक और शारीरिक रोगों में स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोग हो जाए तो उसके निवारण के लिए हम योग की ओर देख रहे हैं आज इस 21वीं शताब्दी में। भारत ने योग को जिस विश्व स्तर पर पहुंचा दिया है, या यूं कहें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज योग को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत गौरवान्वित हुआ है। ये योग की तरफ आज दुनिया देख रही है। हम किस प्रकार इसका समाधान करें? समाधान तो पूरा संभव नहीं है, लेकिन हम इस स्थिति में रहते हुए इसका प्रबंधन कैसे करें? हम मुख्य रूप से जो घर में बैठे हैं उनकी समस्या है कि जिनका जीवन दैनंदिन कार्यों में लगा हुआ था, जो निरंतर अपने व्यवसाय में, नौकरी में, मजदूरी में या जो भी जहाँ जिसका कार्य क्षेत्र था उसमें जुटा हुआ था, तो एक दिनचर्या बनी हुई थी। प्रातः उठना, तैयार होके वहाँ जाना, वापस आना और फिर अगले दिन की तैयारी। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में केवल घर में ही रहना है, हरदम घर में रह करके कोई दो चार दिन छुट्टी हो, 10 दिन हो तो आदमी गुजार लेता है, और नहीं तो सप्ताह में एक दिन का जो अवकाश मिलता है उसी में उसकी तृप्ति हो जाती है। लेकिन आज की स्थिति 24 घंटे उसी घर के अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना, तो वो अपने आप को एक प्रकार से विभिन्न मनोरोगों से ग्रस्त होता जा रहा है। मनोरोगों में बहुत सारे रोग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहें तो तनाव मुख्य कारण है। तनाव, अनिद्रा, चिंता इत्यादि सब उसी के कारण है। अवसाद की स्थिति पैदा होना, और यही स्थितियां जब आगे बढ़ती हैं तो हो जाती है। कारण क्या है? घर में बैठे हम ये सोचते रहते हैं, और योग में कहा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है, दुख का कारण है। यही मानसिक रोगों के कारण भी बताए हैं। अथर्ववेद में कहा गया है श्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदोषी तनु दोषी इदम तमति सृजामि तम माप्य विनिक्षी। ये 6 रोग है, 6 कारण है जो मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। श्रोक, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भाव। मनोहा, मन को मारने वाला, उत्साहहीन करने वाला, अधैर्य वाला। और खाना है अपने ही हाथों अपना नुकसान करना, जैसे कहते हैं ना अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। दीनता, हीनता, कुंठा, निराशा, ये सारी स्थितियां इसमें आती है। निर्दाह, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि, ये निर्दाह की स्थिति में है। आत्मदोषी है जो आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा है, अपराध बोध की स्थिति, अपने आप को अपराधी मानना। और तनुदोषी, ये अपने शरीर को कष्ट देने की स्थिति, भूखा रहना, कुछ ना खाना, कुछ अपने शरीर में घाव लगाना, अपनी नस काट लेना, आत्महत्या कर लेना, ये सारी स्थितियां उसमें आती। तो ये सारी विकृतियां
धीरे धीरे तनाव तनाव, अवसाद अवसाद से निराशा, कुंठा, जीवन उत्साहहीन हो जाना, और ये जीवन मरने से ज्यादा कठिन दिखाई पड़ना। ऐसी स्थितियों में आदमी क्या करे? इसके लिए व्यक्ति का अपना सोचने का ढंग पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी सार नहीं दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे कष्ट भी बड़े भारी दिखाई पड़ेंगे, जो सुख प्राप्त होता है वो सुख सुख नहीं दिखाई पड़ेगा, और दुख जो है वो पहाड़ की तरह से भारी दिखेगा। अब ये कहा जाता है कि दुख को बांटने से दुख कम होता है और सुख को बांटने से सुख बढ़ता है। जब हम अपनी खुशियां बांटते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं, दूसरे भी प्रसन्न होते हैं, जो सुनता है वही प्रसन्न होता है, तो खुशी बढ़ती है। इसी प्रकार जब दुख को बांटते हैं तो जब कोई दूसरा सुनने वाला होता है तो आदमी कह करके हल्का हो जाता है। अब यहां स्थिति क्या है? लॉकडाउन में वही घर के दो चार आदमी आपस में कब तक बात करेंगे, किसके बात करेंगे, कुछ दुख की बात करेंगे ना सुख की बात करेंगे? थोड़ा कभी मिलता है आदमी तो पूछता है, जब हरदम 24 घंटे साथ ही रहेगा तो उससे बात क्या करेगा? तो वो निराशा सी जीवन में आ जाती, फिर वो एकांतवास हो जाता है, फिर धीरे धीरे अवसादग्रस्त होता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवन असार निस्सार दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें? ऐसी स्थितियों में हमारे जो वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं उनके आधार पर ये पाया है कि योग के द्वारा बहुत सारी ऐसी योगिक अभ्यास हैं जिनके माध्यम से हम इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, इनसे उबर सकते हैं। अपने जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, योग सूत्र है, गीता है, गिरंथ संहिता, हठयोग प्रदीप का आदि और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें भी योगाभ्यासों के वर्णन में ये बताया है कि इन इन रोगों में ये उपयोगी हैं। ऐसी स्थितियों में हमें विभिन्न योगाभ्यासों का उपयोग करके इस कोरोना संकट में और लॉकडाउन की स्थिति में अपने आप को सुस्थिर रखते हुए धैर्यपूर्वक जीवन यापन करने की स्थिति बनानी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन का और मोक्ष का कारण है, यानी मन ही मुख्य है। उस मन को कंट्रोल करना है, और मन को कंट्रोल करने के लिए पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य उपाय बताएं। गीता में भी कहा है अभ्यास एंतु कौन्ते वैराग्य न चक्रियते, इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में कर सकते हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, निरंतर होने वाली प्रैक्टिस, क्योंकि अभ्यास के लिए कहा है सेतु दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक किया जाए, तब उसमें अभ्यास की दृढ़ता आती है। तो जो काम हम करें उसको बीच में छोड़े नहीं, उसका अभ्यास करते रहें और श्रद्धा पूर्वक करें, निरंतर करें, लंबे समय तक करें, तो उस अभ्यास के माध्यम से हम जिन योगाभ्यासों का प्रयोग कर रहे हैं उनका शाश्वत फायदा मिलेगा। हम जिन योगाभ्यासों की चर्चा कर रहे हैं उनमें देखा जाए तो षटकर्म है, उन षटकर्मों का प्रयोग करेंगे, सूत्र नेति, जल नेति, कपाल भाती और वस्त्र धोती, कुंजल, इनके द्वारा कोरोना की महामारी में उसके प्रभाव से बच जाएंगे। और
इम्यूनिटी डेवलप होगी, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कुछ वनौषधियाँ, कुछ हमारे जो घर में यूज होने वाले मसाले उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे आंवला है, गिलोय है, हल्दी है, तुलसी है, अलसी है, जीरा धनिया है, इनको एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कहा जाता है। इनका प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले योगाभ्यास हैं, जैसे जठराग्नि बढ़ने की बात की गई पश्चिमोत्तान से, मत्स्येंद्र से, तो उन आसनों का प्रयोग करके जठराग्नि बढ़ती है, तो जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र धातु में है वो पुष्ट होती हैं, उन्हीं से ओज बनता है, ओज से इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आहार की महत्ता है, आहार ऐसा लें जो सुपाच्य हो, जिससे ठीक तरह से रस रक्त आदि धातुएं बन जाए। अंकुरित अन्न का प्रयोग करें, इसे जीवित अन्न कहा जाता है, जीवित भोजन कहा जाता है। जीवित भोजन का मतलब है जो सब उबाल के हम खाते हैं वो तो मृत हो गया है, अंकुरित नहीं हो सकता, अंकुरित होने वाला ही जीवित कहलाता है, वही इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, वही विटामिन देने वाला है, तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है वो अंकुरित अन्न। साथ ही हम युक्त आहार की बात करते हैं, गीता में कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु युक्त स्वप्ना बोध से योग बहुत ही दुखा, योग किस तरह से कष्ट निवारक होता है उसके लिए कहा है प्रॉपर डाइट। तो प्रॉपर डाइट होगी, विहार भी ठीक हो, विहार है हमारी दिनचर्या, सारा दिन का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, उसके लिए यम और नियमों की बात की गई। युक्त चेष्ट से कर्म सु और कर्म हमारे जो है युक्त हों, मतलब अच्छे कर्म करें जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, और युक्त स्वप्न व बोध से सोना और जागना भी प्रॉपर हो। नींद के लिए कहा 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, ऐसी स्थिति में अनिद्रा की स्थिति आ जाती है तो वहाँ हम शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन इनका प्रयोग कर सकते हैं जिससे ठीक नींद आ जाए। सात्विक बुद्धि से किया गया कोई भी योगाभ्यास वो लाभ पहुंचाने वाला होता है, लेकिन हमारे जीवन में सकारात्मकता भी होनी चाहिए। हमारी बुद्धि ठीक हो, मन ठीक हो तो सकारात्मकता आती है, हम सकारात्मक सोचेंगे, जो भी सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना भी बहुत जरूरी है। जब सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो हम ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे, ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, और धीरे धीरे संकट की स्थिति में भी अपने आप को सत्व उद्रेक होने से बचा लेंगे। अगर हमारा तामसिक वृत्ति बढ़ती है, हमारी सात्विक बुद्धि नष्ट होती है, सकारात्मकता की अपेक्षा नकारात्मक भाव ज़्यादा होते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा जीवन उत्साहहीन होता जाता है, और उत्साहहीन व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता, वो तो बल होते हुए भी खड़ा नहीं रह सकता। आपने देखा हो कभी अवसादग्रस्त व्यक्ति, शरीर में बल है लेकिन वो खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को मजबूत करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने आप को इस संकट की स्थिति में मजबूत बनाना है। विभिन्न योगाभ्यासों के प्रयोग की बात की गई, आसन के लिए कहा था आसने रोजो हंति, आसने भवे दृढ़, आसन से रोग दूर होते हैं, आसन से शरीर मजबूत होता है। इम्यूनिटी बढ़ने की बात तो आधुनिक वैज्ञानिक शोध के द्वारा सिद्ध हो चुकी है, ऐसे ही विभिन्न रोगों को दूर करने में योगाभ्यास का प्रयोग सिद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमें उन योगाभ्यासों का प्रयोग करना है, एक क्रम बनाया जा सकता है दैनंदिन अभ्यास के लिए, और उसको हम बढ़ा करके कर सकते हैं। विभिन्न शोधन क्रियाएँ हैं, सूत्र नीति, जल नीति है, कपालभाति है,
और वस्त्र धोती है, कुंजल क्रिया है, इनका प्रयोग करें तो कोरोना के अटैक से भी बच सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जो शोधन क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करें तो वात पित्त कफ सम्य अवस्था में रहते हैं, और सम्य अवस्था में रहेंगे तो सम दोष है समग निश्चय सम धातु मन क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। जब दोष सम्य है तो रोग नहीं होगा, धातुएं ठीक तरह से पुष्ट हो रही है, रसाद रक्तम तो मान सम्मान तन मेधा प्रजाते मेद सो अस्तित्व तो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। अभी हमने आहार की बात की थी, आहार के माध्यम से अच्छी तरह से परिपाक होकर रस बनेगा, उस रस से रक्त रक्त से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा मज्जा से शुक्र बनता, शुक्र ही ओज बनता, ओज बनेगा तो इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जब हम जीवन में अपने आपको इस संकट से बचा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, मन को मजबूत करें, शरीर को मजबूत करें, और ऐसी स्थिति में सकारात्मक विचार बना के रखें। इन विभिन्न योगाभ्यासों का प्रयोग करके हम अपने इस संकट काल में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन को उत्साह दे करके, मन को मजबूत करके इस संकट से उबर सकते हैं। ऐसी आशा है कि विभिन्न योगाभ्यासों का प्रयोग करें, योग को केवल आसन प्राणायाम तक सीमित ना करें, उसके जो अष्ट विध अंग है उनका प्रयोग जरूर करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग हैं, इन 8 अंगों का प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूँ कि संकट की स्थिति में भी हम अपने आप को अच्छा स्वस्थ और निर्द्वंद्व पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। ओम शांति।